जी, अभी एक ना शॉर्टकट पता चला है मुझे। छाओं ने पूरे रोड को कवर कर लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं अंका चोटी की तरफ, और मैप के हिसाब से ये तकरीबन 55 किलोमीटर के फासले पे है यहाँ से। मौसम इस वक्त बहुत ही कमाल का हो चुका हुआ है। लाइक धूप निकली हुई है, लेकिन आपको ना उतनी गर्मी फील नहीं होती। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये जी, अभी एक ना शॉर्टकट पता चला है मुझे। वो कहते हैं यहाँ से आप जाएं तो ये एक शॉर्टकट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टीप है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। देखते हैं। रोड के बारे में मैंने पूछा, वो कह रहे हैं जी रोड बिल्कुल ठीक बनी हुई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। स्टीप तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल रोड अच्छी बनी हुई है, और आसपास जो है ना रोड भी बड़ी बड़ी खूबसूरत है। अभी तक तो रोड बड़ी अच्छी चल रही है, बीच बीच में थोड़े बहुत पैचेज आते हैं, लेकिन ओवरऑल रोड अच्छी बनी हुई है। स्टीप तो है इसमें ना रोड में, बीच बीच में थे तो बहुत ज़्यादा सीटें आती है स्टीप, और कभी कभार जो ना रोड की थोड़ी सी दूसरी होती है तो बाइक को थोड़ी सी ज़्यादा जान मारनी पड़ती है। अभी तक जो है थ्रू आउट मैं पहले और दूसरे गियर पे आ रहा हूँ, कभी कभार थर्ड गियर पे मैं जो है गया हूँ, लेकिन मोस्टली दूसरे गियर पे, और जब बहुत ज़्यादा स्लीप आती है तो मैं पहले गियर पे। एक बहुत ही खूबसूरत पैच आ गया है, इसमें दोनों साइडों पे बड़े खलियाँ दरख्त हैं, और फील ऐसे हो रहा है कि जैसे कि हम पूरी जंगल के अंदर से जा रहे हैं, और इक्का दुक्का बाइक जो है वो गुजरती है। एक दो केले डब्बे भी गुजरे हैं बीच में से, लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी है वो मैंने अभी तक देखी नहीं है। हाँ, बाइक जो है वो बहुत गुजर रही है, और क्या सीनरी है यार, क्या खूबसूरत, बिल्कुल जैसे होता है ना जंगल, घना जंगल, ऐसे लग रहा है यार।
और यहाँ पे छाँव भी है एकदम से, जब वो दोनों साइडों पे आते हैं ना दरख्त, एकदम से वो पूरी रोड को अपनी छाँव में जो है घेर लेते हैं। देखिए ना, छाँव ने पूरे रोड को कवर कर लिया हुआ है, और कितना उधर जो है ना वो लग रहा है पेड़ सफर सफर से दोनों साइडों पर। पहाड़ों के लोग में से एक चीज़ है कि वो ना बड़े दूर दूर तक वो पैदल चलने की उनको आदत होती है, और हमसे तो आधा घंटा जो है वॉक ना हो पहाड़ों पर। मैं वो औरंगजेल गया तो मुझे वो पहाड़ चढ़ते चढ़ते मुझे तकरीबन 30 मिनट लग गए, और सांस ऐसे जैसे देना पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि कभी एक्सरसाइज तो नहीं होती। पैच आया है कच्चा, लेकिन मेरा ख्याल है ये ना थोड़ी चलते से ठीक हो जाएगा, और सीन वैसे यहाँ बहुत प्यारा है, समझ तो ठीक हो गया। क्या ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं और फुल ग्रीन जो है वो पहाड़ है, और खाई भी है, लेकिन वो खाई पेड़ों से टकी हुई है, वो आपको दिखाई नहीं देती, तो आपको ना डर लगता नहीं है। वरना जब मैं ताऊपाट में था तो वो एकदम से मुझे जब मैं नीचे उतरता था तो वो जो दरिया है वो साफ दिखाई देता था, तो वो इंसान के अंदर ना खौफ सा पैदा होता है। जी तो अभी हम पहुंच गए हैं सोतन गली, जी जो हाँ यहाँ पे यह जाती है गंगा चोटी, और सीधा है ये जाती है बाग की तरफ। तो अभी हमारा प्लान है कि हमने जाना है ऊपर चोटी पे, तो वहाँ पे चलते हैं। A1 बनी हुई है, लेकिन ना स्टीप बहुत ज़्यादा है, बाइक को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। मेरे आगे ये रिबॉन जा रही है, और इसकी जो आवाज़ है ना वो ऐसे लग रही है जैसे मेरी अभी जो है पास कर रही है, लेकिन फिर भी जा रही है। बाकी चलते हैं और देखते हैं कि आगे ऊपर हम लोग कैसा सीन मिलता है। Thank you.
अभी हम गंगा चोटी पहुंच गए। इसकी चढ़ाइयाँ बहुत हैवी किस्म की हैं। मेरा चूँकि ज़रा हाथ होला है तो वो मैं चढ़ तो आया हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ मैं उतरूँगा कैसे, लेकिन ये है कि अल्लाह मियाँ खैर कर देगा इंशाल्लाह, हम खैरियत से उतर जाएंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमें जाना है बाग, और बाग से हम इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो हम पिंडी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला शाम 7 बजे के आसपास इंशाल्लाह ताला। बाकी आप वीडियोस एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें।